ये देखो आप, हमारी घी की कोफ्ते की ग्रेवी बिल्कुल रेस्टोरेंट की ग्रेवी की तरह है, गाढ़ी है, एकदम पानी पानी नहीं है। और भैया भरत किचन है, कोफ्ते तो सॉफ्ट होने ही होने, तो एक बार इनको बनाना तो बनता ही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब ये वीडियो बनाने से पहले मैं आपको सच बोलूँगा कि बचपन से मेरे को घी के कोफ्तों से नफरत है। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने कहा कि घी के कोफ्ते कुछ ऐसे बनाए जाएं, तो इस रेसिपी में आप ऐसे घी के कोफ्ते देखोगे जिसमें ना मैंने ज़्यादा तेल यूज़ किया है, सामान सब घर का है, बस कुकिंग टेक्निक्स में ऐसा कुछ चेंज किया है कि कोफ्ते का टेस्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है। और सच बोल रहा हूँ, बच्चे से लेके बड़े तक सब इसको बहुत शौक से खाएंगे और सब बोलेंगे कि भाई रेस्टोरेंट से मंगवाया क्या। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ये वीडियो मेरे दिल के बहुत पास है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है लगभग आधा किलो लौकी, उसके साथ साथ आपको चाहिए होंगे चॉप धनिया, हरी मिर्च और अदरक। इसको हम अपने कोफ्ते में डालेंगे और सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपको लौकी को अच्छे से छिल के इसको मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर लौकी से इसका सारा पानी निकाल दें, और हाँ, ये पानी फेंकना बिल्कुल भी मत, ये बहुत हेल्दी पानी होता है, इसको हम अपनी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो अब जल्दी से यहाँ पर कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लौकी के साथ साथ मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा बेसन, अभी मैंने यहाँ पर लगभग 1/4 कप पहले डाला है। उसके साथ साथ अब यहाँ पर डाल दें अपने कटे हुए अदरक, धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, काफ़ी सारा धनिया पाउडर, नमक, और दो सबसे ज़रूरी चीज़ वो है काली मिर्च का पाउडर और देसी घी। काली मिर्च इन कोफ्तों को एक अलग सी गर्माहट सी देंगे, एक अलग सा फ्लेवर देंगी, और देसी घी या सैचुरेटेड फैट इसमें मॉइस्चर लाएगा। तो बस आप अच्छे से मिलाओ, अपना बाकी बचा हुआ 1/4 कप बेसन भी इसमें डाल दो, और ये देखो आपके कोफ्ते का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो अब आपने करना है वेट, यानी आपने इस कोफ्ते के मिक्सचर को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखना है, क्योंकि बेसन है तो बेसन अच्छे से पानी पीना चाहिए, उसके बाद ही हम इस कोफ्ते बनाएंगे। तो 10 मिनट के लिए आप अपने मिक्सचर को रेस्ट करने दो, और जब तक आपके कोफ्ते का मिक्सचर रेस्ट कर रहा है तब तक अपनी कढ़ाई रखो गैस पे, उसको रखो मीडियम फ्लेम पे, और जितनी देर में आपके कोफ्ते रेस्ट करेंगे उतनी देर में आपका तेल भी गर्म हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद चलो इनको फ्राई कर लेते हैं। अब फ्राई करना इनको बहुत ही आसान है, आप छोटे छोटे गोल गोल कोफ्ते बनाओ और इनको अपनी कढ़ाई में डाल दो। अब बस आपने यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, वो ये है आप इनिशियली इन कोफ्ते को हिलाना मत, क्योंकि बड़े सॉफ्ट हैं ये, पूरे इधर उधर हो जाएंगे। पहले आपको वेट करना है कि अपनी पूरी शेप ले लें, एक सरफेस डेवलप हो जाए, उसके बाद ही आप इसको हिलाना शुरू करना। तो आपको फ्राई करना है इनको गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते। तो हो गए ना आपके कोफ्ते बिल्कुल तैयार। और अगर मैं आपको एक कोफ्ते को काट के भी दिखाऊं, तो आप ये देखो इसमें थोड़ी थोड़ी हवा भी है ताकि ये ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर सके, अंदर से काफी सॉफ्ट भी है। और अब देखना आप, ग्रेवी में हम लौकी की खुशबू जो किसी को पसंद नहीं आती ना, वो भी हम बिल्कुल बदल देंगे। तो अब आता है हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि मैंने यहाँ पर लिया है 2 प्याज और 4 टमाटर। किसी भी डिश में अगर आपको कोर इंग्रेडिएंट को मास्क करना हो, जैसे कि इस डिश में हमारा घिया है, तो उसके फ्लेवर को मास्क करने के लिए, ताकि किसी को पता ना चले, हम यहाँ पर बेसिकली खुशबू बदलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हम फ्लेवर्स को चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिया है 2 प्याज और 4 टमाटर। टमाटर आपको ज़्यादा ही लेने हैं क्योंकि हमें ग्रेवी को थोड़ा सा खट्टा बनाना है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो प्याज को आप एकदम फाइनली चॉप कर दें, आप चाहें तो आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप बिल्कुल वैसा रखें। उसके साथ मैंने मिक्सर ग्राइंडर में अपने टमाटर डाले, अदरक लहसुन हरी मिर्च डाली, और इसको एकदम फाइन पेस्ट में बना लिया। और अब जल्दी है देख लेते हैं हमने सूखे मसाले कौन कौन से लिए हैं। मसाले ऐसे होने चाहिए जिनकी खुशबू स्ट्रांग हो, वो ऐसे टेस्ट वाइज सुपर स्ट्रांग नहीं होने चाहिए, खुशबू स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि जो भी कोई हमारे कोफ्ते को सूंघे तो खाने का मन कर जाए। तो मैंने मसाले जो लिए हैं वो है काफ़ी सारा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, अमचूर पाउडर, मैंने बोला था ना आपको थोड़ा सा खट्टा रखूंगा, और आखिर में मैंने लिया है बेसन। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लिया है गरम मसाला, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक गरम मसाला चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोहिनूर मसाला लिया है। उसके साथ साथ आपको चाहिए यहाँ पर भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, मतलब गरम मसाला और कसूरी मेथी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब गरम मसाला ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 9-10 स्पाइसेस से बना हो, थोड़ा सा डाले और हमारा काम बन जाए। चलो अब टाइम हो गया है पकाने का,
तो मैंने यहाँ पर अपनी कढ़ाई को रखा है मीडियम फ्लेम पे, उसमें आप डालें तेल, आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज कर रहा हूँ। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जल्दी ही डालें हींग और जीरा, और जब जीरा पॉप होना शुरू हो जाए तो आप यहाँ पर डालें अपने फाइनली कटे हुए प्याज और तेज पत्ता। मुझे पता है कि आप बोलोगे कि भरत तुमने तेज पत्ता बाद में क्यों डाला, तेल में क्यों नहीं डाला इस पहले, क्योंकि बेसिकली मैं भूल गया था। आप ये गलती मत करना, तेज पत्ता तेल में ही डालना। तो आपको प्याज को वही अपना नॉर्मली गोल्डन ब्राउन करना है, एकदम अच्छे से ब्राउन करना है। और आपको लगेगा कि यार इस ग्रेवी में कोई फर्क तो है नहीं, ये ग्रेवी आपको देख के लग रहा होगा कि बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम बनाते हैं, पर इसमें थोड़ा सा मैंने फर्क किया है, और वो थोड़ा सा फर्क ही बहुत ही मेजर डिफरेंस लाता है। तो जब आपके प्याज लगभग 80% तक पक जाए, थोड़े से ब्राउन होने शुरू हो जाए, तब आप यहाँ पर डालें अपना हल्दी पाउडर, इसको थोड़ी देर के लिए भुने, और फिर आपने यहाँ पर डालने हैं अपने सारे पिसे हुए मसालों का जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया था बेसन वाला, उसको आपने डालना है और बेसन को आपने फुलाना है। फुलाना है बस यही तो बात है। आप मसालों को पहले अच्छे से भुनना प्याज के साथ, जब ऐसे भुनने लग जाएंगे तो ये देखो इसमें कैसे कैसे बबल्स आने शुरू हो गए, क्योंकि बेसन भुन रहा है, मसाले भुन रहे हैं। अब जब ये थोड़े भुन जाए तो आप यहाँ पर डालो पानी, पानी से आपके प्याज गलेंगे और बेसन के अंदर जो स्टार्च है वो फूलने लग जाएगा, जो आपकी ग्रेवी को टेक्सचर देगा, फ्लेवर देगा, इन थोड़े से मसालों की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और बस ग्रेवी में सारा फर्क आ जाएगा। तो जब आपके मसाले भुन जाए तो आप यहाँ पर डालो टमाटर। टमाटर को डाल के आपको इनको बहुत ही अच्छे से भुनना है जब तक ऑयल सेपरेट होना शुरू नहीं हो जाता। और आपको तो पता ही है कि जैसे मैंने डालने हैं टमाटर, मैंने उसी टाइम पर डालना है नमक, ताकि मेरे टमाटर बहुत ही अच्छे से भुन जाए। और बस विद इन 5 मिनट्स आपके टमाटर तेल छोड़ना शुरू कर देंगे। ग्रेवी का टेक्सचर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर थोड़ी सी कुकिंग ट्रिक्स के साथ ग्रेवी का टेक्सचर ही अलग है। मानते हो ना मैंने कुछ डाला नहीं, लेकिन ग्रेवी अलग ही लग रही है। तो बस अब आप जल्दी से यहाँ पर डाल दो हमारा घीये का पानी, जो हमने घीये का पानी निकाला था वो आप यहाँ पर डालो, साथ साथ यहाँ पर डालो थोड़ा सा पानी, इसको अच्छे से मिलाओ। और बस एंड में मैंने आपको पहले ही बोला था कि खुशबू बहुत जरूरी है, घीये के कोफ्तों में खुशबू का ही सारा कमाल है। तो आप यहाँ पर डालो हमारी भुनी हुई कसूरी मेथी, वो जो मैंने गरम मसाला लिया था वो आप यहाँ पर डालो, थोड़ा सा ही काफी है, और भुना हुआ जीरा पाउडर डालो। तो भुने हुए की खुशबू, अच्छे से गरम मसाले की खुशबू और कसूरी मेथी की खुशबू, ये तीन खुशबू आपके आपके पास हैं जो कि सच में इस ग्रेवी का फ्लेवर ही बदल देंगी। बस आप यहाँ पर डालो थोड़ा सा पानी और अपने कोफ्ते। कोफ्ते डालने के बाद आप इसको ढक के सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाओ, ताकि कोफ्ते थोड़ा ग्रेवी को एब्जॉर्ब करें। और फिर ये देखो आपकी लौकी के कोफ्ते की ग्रेवी पूरी तैयार है। अब मुझे सच बताना, मैंने क्या कोई ऐसी चीज़ डाली है जो आपके पास घर पे ना हो या कुछ नया हो? बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो घर पे मिलती है, लेकिन तब भी कोफ्ते का टेक्सचर अलग है, ग्रेवी का टेक्सचर अलग है, और सच बोल रहा हूँ इसका टेस्ट ही बहुत ही बढ़िया होगा। आपने ऐसे लौकी के कोफ्ते खाए नहीं होंगे, और सिर्फ थोड़ी सी कुकिंग टेक्निक्स की वजह से। मैंने आपको बोला है ना कि इसमें सिर्फ टेक्निक्स में फेरबदल किया, और ग्रेवी भी थिक है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान देना है कि ग्रेवी खट्टी होनी चाहिए, मसालों की खुशबू अच्छी होनी चाहिए, अच्छे क्वालिटी के हों मसाले, काली मिर्च का यूज़ है थोड़ा ज़्यादा, और बस है बहुत ही मज़ेदार। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन सी रेसिपी में फेरबदल करें, अब करेले की, कटहल की, तोरी की, या न्यूट्री की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ करें उसके लिंक्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बार में अमेज़न में दे दिए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।